ओके फाइनली क्या माइक ऑन हो गया, ऑन ही नहीं हो रहा था। सो वेलकम बैक इसके सभी के सभी लोग, फाइनली एक और नई वीडियो के अंदर स्वागत है। और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग व्लॉग करने वाले हैं, टेस्टिंग कुछ नहीं, खाली व्लॉग। सो यस, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं व्लॉग। और यहाँ पे भाई हम लोग अभी ट्रैवल कर रहे हैं भाई अपने कॉलेज की ओर। कॉलेज थोड़ा अजीब लग रहा होगा लेकिन यस, चलो लेकिन चलते हैं। जो भी लोग नए आए चैनल के ऊपर जल्दी से जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मेरे आगे मेरी भाई पॉटल लटक रही है, प्रोटीन शेक की प्रोटीन, ये देखो। प्रोटीन शेक, प्रोटीन पीते रहना चाहिए भाई। चलो सो अभी हम लोग भाई सुबह सुबह के समय पे अपने भाई को थोड़ा दवाई ववाई दिलाने गए थे, ठीक है। तो जिस वजह से आज थोड़ा सा कॉलेज के लिए लेट भी हो गए, बट कोई इशू नहीं, मैंने पहले ही बोल दिया था एक आध घंटा मैं लेट आऊँगा। सो एक आध लेक्चर मिस हो गया बट कोई इशू नहीं, चलेगा। अपने साथ वाले भाई लोग एकदम मस्त है तो चल जाएगा, कोई इशू नहीं, ठीक है। सो अभी चलते हैं सीधा। और ये भाई वीडियो में इसलिए आज मतलब पहली बार मन किया कि आज व्लॉग बनाया जाए, सो ये इसलिए बना रहा हूँ। आज है ना भाई बहुत ज़्यादा, देखो देखो ये देखो नाके लगे हुए हैं, चाहो तो है ना पुलिस के नाके लगे हुए हैं, ब्लॉक कर रखा भाई चाहो तो से, तो जिससे हम ज़्यादा स्पीड नहीं दे सकते। एक तो ऊपर से लाठी चार्ज वगैरह का भी सीन थोड़ा बहुत रखा है इन लोगों ने, थोड़ा बहुत मतलब हम लोगों के लिए आयोजित किया है कि लाठी चार्ज भी किया जाएगा आज के दिन। सो लेट्स सी आज का दिन कैसा रहता हमारा पूरा। बाकी चलो चलते हैं सीधा आगे। अरे अरे ये टाटा की बड़ी पुरानी गाड़ी है, और मेरे को मेरी बॉटल का ध्यान रखना होगा कि ये कहीं भी लुढ़क सकती है, क्योंकि इस पर कोई मतलब ऐसा लॉक सिस्टम नहीं है गाड़ी में जिधर मैंने इसको अटकाया है। आई थिंक मेरे को तो लॉक वाला कुछ ना कुछ लगा लेना चाहिए वैसे, बट अभी के लिए तो नहीं है, तो एज यूजुअल ऐसे ही चलना पड़ेगा। और आज यार जाम वगैरह खूब है, मतलब बहुत ज़्यादा जाम है, मतलब हद से ज़्यादा हो रखा है। चलो आई डोंट थिंक कि मेरी ऑडियो थी वो तुम्हारे पास बहुत तेज़ आ रही थी पहले, अभी थोड़ी कम कर दी मैंने, ठीक है। अभी थोड़ा परफेक्ट ऑडियो आएगा, ज़्यादा भी फटेगा नहीं। सो मेरे को है ना भाई गाना लगाना है एक जल्दी से, बट मेरा इंटरनेट पता नहीं क्यों जवाब दे रहा आज के दिन पे ही। मैं एक बार फिर से ट्राई कर लेता हूँ। ओके लग गया लग गया लग गया, मेरे को ये वाला गाना था, चल गया। नाइस नाइस नाइस, चलो अब गाने वाने सुनेंगे थोड़ा सा, एंड जाम तो बहुत ज़्यादा है। चलो थोड़ा आगे चलते हैं, एंड आज मैं तुम लोगों को भाई पूरा रास्ता दिखाने वाला हूँ, ठीक है। दिल्ली से लेके पूरा एकदम नोएडा तक, दूर तक एकदम जाएंगे ट्रैवल करने, और पूरा रास्ता दिखाऊंगा कि भाई कहाँ कहाँ पे मतलब जाम वगैरह लग रहा है, नाका वगैरह लग रहा है आज के दिन। तो पूरा देखते रहना वीडियो को एंड तक, ठीक है। इससे तुम्हें एक तरीके से न्यूज़ का अपडेट भी मिल जाएगा आज का, कि आज क्या हो रहा है बाहर, और दूसरा तुमको व्लॉग भी देखने को मिल जाएगा। यार ये देखो टेडी डे भाई साहब, टेडी टेडी भाई साहब, ये क्या ही बच्चापंती करके रखते हैं लोग, भागना टेडी वेडी दे वो पता नहीं क्या। वैसे ही जो आज का है ना मतलब जाम वगैरह हो रहा है, मैंने थोड़ा बहुत न्यूज़ सुनी है, मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता, बाकी तुम लोग बताना क्या है एग्जैक्ट, ठीक है। मेरे को जो सुनने में आया वो ये है कि मतलब कुछ लोग ट्रैक्टर लेके आए हैं मॉडिफाइड ये वो, और उस ट्रैक्टर की वजह से पुलिस ने लाठी चार्ज वगैरह वाला सीन रखा था कल के दिन, मतलब कोई गवर्नमेंट का लॉ आया था किसान के लिए कुछ ऐसा, मतलब मैंने सुना है एग्जैक्ट, मेरे को बिल्कुल भी सीरियसली मत लेना, ठीक है, कि मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं, वो चीज़ तुम न्यूज़ पे देख के देखना, मतलब उसको न्यूज़ को ही मानना, अपना ज़्यादा सीरियस नहीं लेने का, क्योंकि मेरे को खुद नहीं पता है कि कितना ज़्यादा मतलब ये रियल है कितना ज़्यादा फेक है। अपने लिए तो सिर्फ ये जाम है, बाकी देखते हैं। बाकी अगर मेरे को मिला तो मैं न्यूज़ भी जरूर चिपका दूंगा इसी के ऊपर, ठीक है, वीडियो के ऊपर ही, तो तुम लोगों को न्यूज़ भी सामने दिख जाएगी कि क्या चीज़ की बात हो रही थी, ठीक है। यार दूसरी वाली रेड लाइट हो गई भाई, शिट दूसरी रेड लाइट हो गई, देखिए सोने। तो अभी हो चुका है भाई 9:39, एंड जहाँ तक मेरे को जाना है वहाँ तक जाने में टाइम लग सकता है अराउंड 50 मिनट्स यहाँ से, बट जाम ज़्यादा है, तो मतलब यहाँ पे ही थोड़ा जाम है, बाकी तो आगे कोई जाम वगैरह नहीं है, देखते हैं। बाकी एक बार मैं मैप वगैरह भी ऑन करके रख ही लेता हूँ कि मैप भी साथ साथ हमारे चलता रहेगा। चलो ये है ओला मैप्स, और यहाँ पे दिखा रहे कि भाई पूरा आगे तक में भी के लिए जाम है, मतलब यस पूरा आगे तक अभी जाम है, और बहुत ज़्यादा आगे जाके मतलब राजीव चौक पे जाके थोड़ा बहुत जाम खुलेगा, ठीक है। आई थिंक मेरे को रोड वगैरह चेंज करके जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो जाम में फंसे रह जाएंगे, बाकी कोई बात नहीं देखा जाएगा जो भी है। वो खुल गई लाइट, खुल गई, ओके वो फुल अभी सही है। सबसे ज़्यादा जाम जो लगाती है ना भाई मुझे पुलिस वाले लगते हैं, सबसे ज़्यादा जाम यही लगाते हैं, एकदम रास्ते को नैरो कर देंगे, और नैरो से भी कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है खास, क्योंकि एक टाइम पे दो गाड़ी भले निकल रही, लेकिन कोई पुलिस वाला तो देख ही नहीं रहा उस गाड़ी के अंदर क्या है चेकिंग वगैरह, तो क्या फ़ायदा नैरो करने का, तो वाइड में निकाल लो भाई। अभी दूसरी वाली रेड लाइट हो जाएगी,
लगता है हम लोग तीसरे रन में जा पाएंगे, दूसरा रन तो मुझे पॉसिबल लग नहीं रहा, बाकी लेट्स सी। ओके दूसरा रन भी बस ख़त्म ही होने वाला है। ये होते हैं स्टूपिड ऑटो वाले जो कहीं पे भी अपनी गाड़ी पेल देते हैं और अपनी मना लेते हैं, स्टूपिड ऑटो वाले। येल्लो एक और रेड लाइट हो गई यार, शिट शिट। अबे एक बार और रुकना पड़ेगा 30-40-50 हज़ार सेकेंड्स। अरे इधर का चलते रहो। अरे बस थोड़ा सा और चल ले। अबे ऑटो चुमती ऑटो, हमारा रास्ता सीधा सा पड़ रहा है, बट ये चांदन दे रहा है, घुसड़ेगा अपनी गाड़ी चुमती ऑटो वाला। ओके आई गेस वेटिंग गेम। ये जूस पी लूँ सॉरी प्रोटीन पी ले, प्रोटीन नहीं पी सकते यार अभी। ओके एक बार और खुल चुकी है लाइट, होपफुली हमारे लोगों के लिए खुली हो। यार जाम भाई साहब, गजब लेवल एकदम ही गजब लेवल। अरे अरे निकल गए भाई साहब बड़ी मुश्किलों से। वो गाड़ी वाले आगे बढ़ाने लग गए थे अपनी गाड़ियाँ तो ऐसे उन गाड़ी वालों को स्किप मारते हुए निकले भाई, डैट वॉज टफ, बट निकल गए। अच्छा वो ऑटो चाहिल ने थोड़ी बहुत रेस दे दी, वरना तो भाई खत्म था। ये देखो ये यहाँ घुसने कोशिश करेगा, घुस पाएगा नहीं, बट घुसने की कोशिश जरूर करेगा, अपना 100% ट्राई करेगा, घुस नहीं पाएगा। ये देखो क्या मजे मार रहे हैं वो तो भाई, पुलिस वाले एकदम मजे मार रहे हैं भाई, उनको फर्क नहीं पड़ता क्या चल रहा है क्या नहीं, जबकि उन्हें लेफ्ट राइट पे खड़े होना चाहिए। अगर दो गाड़ी निकल दिए तो लेफ्ट से एक बंदा देखे और राइट से एक बंदा देखे, भाई चार बंदे गुच्छा बना के खड़े हुए हैं और एक साइड पे खड़े हुए हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। गवर्नमेंट को भाई ध्यान देना चाहिए, या तो भाई ये सारे के सारे जो बीच में लगा रखे हैं ना कैंप वगैरह हटा दो, क्योंकि नीड तो दिख ही नहीं रही भाई। अगर जाम ही करना है तो भाई हटा दो इसे, कोई फायदा नहीं इसका जाम वाम करने का। अगर तुम्हें कुछ सर्च करना है तो ठीक है भाई, बट तुम्हें सर्च तो दिख नहीं रहा मुझे करने का कुछ। यार मैं गलत लाइन में चल रहा हूँ, मेरे को साइड में चलना चाहिए। यस आई थिंक आई शुड वॉक लेफ्ट साइड और आई शुड ड्राइव लेफ्ट साइड। वॉक थोड़ी मैं चल थोड़ी रहा हूँ यार, गाड़ी पे है यार, क्या इज्जत रहेगी बताओ यार, हद है, गाड़ी पे है, चलेंगे नहीं भाई, चलाएंगे। हाँ, मज़ा ही आ गया भाई, ओला को हाई स्पीड में ड्राइव करने में मज़ा ही आ गया। अबे भगाना चाहिल, चुमती ऑटो वाला उसकी वजह से रह गया मैं, वरना मैं निकल गया होता अब तक तो। हेलो हाँ दिनेश सर। अरे कहाँ हो सर? अरे अभी तक यार जाम में फंसा हूँ, मुझे नहीं पता जितना जाम होने वाला है। अंकज अभी तक नहीं आया? हाँ उससे पहले पहुँच जाऊँ आराम से, अभी लगभग नहीं तो मेरे को 20-30 मिनट लग जाएंगे पहुँचने में। मैं 45 मिनट मान के चलो भाई, अभी भी आपको क्या? हाँ पहुँच जाएंगे लेकिन अरे यहीं से है, आईटीओ के आगे से खाली पड़ेगा, वैसे पूरा हाईवे है। इधर रेलवे स्टेशन जाना था तो मैं उधर से आया। हाँ अरे नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अरे कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। अरे मेरे को यहाँ पता नहीं था कि मेरे भाई ने भी सुबह सुबह बताया कि ये बॉर्डर वगैरह जाम हुए हैं, अभी तो मुझे वो ही नहीं पता कि बॉर्डर में जाम हो कहीं आते आते रह जाऊँ। लेकिन भाई ने बताया बॉर्डर जाम है और यहाँ पे नाके लगे हुए हर एक थोड़े थोड़े स्टेशन पे, और दो दो लाइन कर रखी है और बैठ के साइड में चाय पी रहे भाई पुलिस वाले, चेकिंग नहीं कर रहे चाय पी रहे बैठ के भाई, मतलब जाम करके चाय पी रहे, ट्रैफिक वालों को और बिठा रहे साथ में, तुम भी बैठो। कोई नहीं हाँ ठीक है, रेड लाइट तोड़ दूँ। ये भी है हाँ ये भी है, कोई नहीं चलो ठीक है। ओके हल्की फुल्की सी रेड लाइट तोड़ी, मतलब एकदम नाजुक सी रेड लाइट तोड़ी, इतनी सी रेड लाइट ठीक है 35 सेकेंड्स 155 से तो चलता है भाई, इतना तो चलता है। मैं ना बहुत थक गया, गुस्सा आ रहा था मेरे को तो निकल गया मैं बस। ठीक है चलो अब चलते हैं डाकू गाना चलाते हुए।
और अभी मेरे दोस्त का फ़ोन आया कि भाई टीचर परेशान हो रहे हैं, टीचर के आने से पहले आ जाइयो। नहीं सॉरी, टीचर परेशान नहीं हो रहे, हम लोग परेशान हो रहे हैं, टीचर के आने से पहले आ जाइयो। ओके भाई, टीचर अभी 11 बजे तक आएंगे और अभी टाइम हुआ नहीं है इतना, तो अभी पहुंच जाएंगे भाई हम तो टीचर से वैसे ही पहले ही। अपनी ओला जो है ना एकदम मज़ेदार लेवल की चीज़ है, ऐसे ही पहुँच जाएंगे हम लोग स्पीड से ही। मन करता चलते चलते पानी पी लूँ, लेकिन पानी पीने का कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि एज़ यू नो भाई अपना हेलमेट जो एकदम टाइट है, और शायद तुम लोग तो नए हो गए ना ब्लॉग के ऊपर आ रहे हो तो भूल गया, तो तुम लोगों को नहीं पता होगा, बताया तो अपने पास स्टील वर्ड का हेलमेट है और इसमें ना मतलब ऊपर से खुलता नहीं है, ये खुलता नहीं है बस ये आगे से, इसकी ये कमी है, बाकी मस्त है एकदम हेलमेट और स्ट्रॉन्ग भी है, ड्यूरेबल भी है, सब कुछ है। ये नहीं चलेगा भाई ये रिक्शे वाला। चल कोई बात नहीं, अब लगने चाहिए हमें 1 घंटा और 35 मिनट। चलो ठीक है, एक काम करता हूँ मैं थोड़ा आगे पहुँच के तुम लोगों से मिलता हूँ, अभी तो वैसे भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और बैटरी जल्दी जाएगी मेरी मेरी क्या बोलते हैं इस चीज़ की जो मेरे मुंह के आगे लगा है GoPro, इसकी बैटरी जल्दी जाएगी बहुत, इसकी पता नहीं क्यों लेकिन बहुत स्पीड से बैटरी जाती है। आई थिंक GoPro 12 ले लेना चाहिए था मेरे को, क्योंकि 12 वैसे तो 12 लेट आया था ना, मैं 12 ही लेता, उसकी बैटरी जो है बहुत ज़्यादा इंप्रूव्ड है और मतलब बहुत ज़्यादा है, मतलब सही में अच्छी खासी है। सो या तो मुझे वो ले लेना चाहिए या मुझे इसका एक बैटरी पैक और ले लेना चाहिए जिससे इसके मैं बैटरी चेंज कर सकूँ, मतलब बैक देने की, नई बैटरी लगाई चार्ज करके और काम खत्म। सो कुछ समय बाद उसको प्लान करेंगे लेने का अभी। अरे भाई साहब एक्सीडेंट, क्या ही बुरा एक्सीडेंट, पीछे से ठोक दिया किसी ने शायद से, जाम जिस लेवल पे हो रहे हैं ना भाई एक्सीडेंट तो पक्के हैं। मैंने भी सुबह सुबह देखा था जब मैं अपने भाई को दवाई दिलाया था, गाड़ी उल्टी पड़ी थी भाई, गाड़ी लिटरली उल्टी हो रखी थी भाई। तो यस, जाम और एक्सीडेंट, मतलब जितना ज़्यादा तुम लोगों को रोकोगे, ऐसे लोग तो जाम करते मतलब थोकते थोकते हैं, बाकी जितना ज़्यादा तुम लोगों को रोकोगे ना मेरे हिसाब से तो भाई उतना ज़्यादा एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि हाईवे के हिसाब से हम लोग रेस देंगे और तुम लोग नाके मार के बैठे होगे, अचानक से कोई भी नाके मार के दिखाई देगा तो फिर भाई ठोकेगा नहीं क्या दूसरा बंदा जो स्पीड दे के आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है। तो इसीलिए ये चीज़ गवर्नमेंट को थोड़ा ध्यान देनी चाहिए कि मतलब थोड़ा और बढ़िया करे इस सिस्टम को, कि लोगों को जो है थोड़ा सा पहले पता लग जाए कि हाँ यहाँ पे भाई नाका जाम है और इधर रेस नहीं देनी है, थोड़ा मतलब दूर से पता लग जाए, लेकिन ये लोग तो भाई कुछ इंडिकेटर देते ही नहीं है। ये देखो बाकी इन लोगों की वैसे तो और एक्सीडेंट होते हैं, और ये देखो भाई आराम से बैठ के चाय पानी पी रहे हैं भाई, चाय पानी, ये देखो कुछ ध्यान नहीं दे रखे, अपना फ़ोन चला रहे हैं मजे से। वो बंदा सिग्नल तोड़ के निकल गया है और अब वो भी रॉन्ग साइड से, कोई नहीं मतलब देख ही नहीं रहा। इनका भाई बड़ा सही है, पुलिस वाले भाई लिटरली भाई सिर्फ पैसा ही खा रहे हैं, ये हमारे असली जवान। तो भाई सल्यूट टू दिस गाइस, इन लोगों की वजह से हम लोग आज इंटरनली सेफ हैं अपने अपनी जगह के ना, हमारे सुपर हीरोज तो भाई हमारे आर्मी वाले हैं, फीलिंग प्राउड इंडियन आर्मी, जंग के मैदान में कदे ना हार दे, लिटरली मस्त एकदम मस्त है। तुम लोगों के भाई सुपर हीरो ये बाकी सारे लोग नहीं होने चाहिए, सलमान खान शाहरुख खान ये वो भाई ये सब नकली है, ये एक्टर है, कोई फ़ायदा नहीं है, सुपर हीरो भाई हमारे आर्मी वाले हैं, तुम भी जान लो भाई। और डीप थॉट है भाई, ध्यान से समझना सोचना, कहीं फालतू में कमेंट वगैरह मारो ठीक है। ये देखो एक और नाका, एंड वेयर इज पुलिस, देखो राइट साइड पे कोई पुलिस नहीं है, तुमको सारे नाके दिखाऊंगा आज, देखो ये लेफ्ट साइड पे खड़े हैं कुछ लोग और ये देखो कुछ लेफ्ट साइड पे खड़े हो गए गप्पे मार रहे हैं ठीक है, ये है पुलिस वाले भाई, पीछे लगभग 6-7 पुलिस वाले थे, 6-7 गप्पे मार रहे हैं भाई मस्त लेवल ठीक है। अब जहाँ तक मुझे पता है इस वीडियो के ऊपर गवर्नमेंट जो है वो भी ऑब्जेक्शन उठाने की कोशिश करेगी इनडायरेक्टली, आई डोंट केयर, बट क्योंकि अभी तक तो मुझे जो दिखाई दिया है 3-4 नाके दिखाई दिए, 3-4 नाकों के ऊपर लोग गप्पे मार रहे हैं भाई, काम करता हूँ मुझे कोई नहीं दिख रहा। एटलीस्ट उन लोगों को ध्यान रखना चाहिए गाड़ी के ऊपर कि गाड़ी के अंदर क्या जा रहा है, बट नहीं। ओके यहाँ वाले तो समझदार है भाई, नाके वाले, इन लोगों ने नाका यहाँ से हटा दिया इनको पता है जाम करके फ़ायदा ही नहीं है, एंड आफ्टर ऑल ये इलाका जो है थोड़ा अमीरों वाला है तो इधर नाके वाके लगाने का इन पे ही भारी पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े लोग रहते हैं ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, बिग गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, सो इसीलिए भाई झुंड फॉलो कर रहा है मेरे को गाड़ियों का, बहुत बड़ा पता लग गया है गवर्नमेंट को।
शिट, तुम लोगों को रिकॉर्ड करके दिखाना भूल गया, अभी रिकॉर्डिंग चालू हुई है, तुम लोगों को रिकॉर्ड करके दिखाना भूल गया, एक और एक्सीडेंट देखा पीछे। शिट यार, बैटरी लाइफ भी काश अगर और अच्छी होती ना गोप्रो की, सो मस्त लेवल हो जाता मामला एकदम। मैं ट्राई करूँगा कि इसका ना कोई तार लेके आऊँगा जिससे इसकी बैटरी चार्जिंग पर भी लगी रहे हमेशा। पीछे एक और एक्सीडेंट दिखाई दिया अभी अभी, एंड इस बार तो गवर्नमेंट का ट्रक का ही एक्सीडेंट था। चलो लेट्स गो, आगे चलते हैं एंड लेट्स सी और भी क्या क्या होगा आगे। अरे कुत्ता भाई साहब, आप कहाँ हाईवे पे चल रहे हो? चलो अभी भाई जाम वगैरह सब लगभग क्लियर हो गया, और आई थिंक सामने में से एक और पुल है और उसके ऊपर जाम होगा, मुझे लग रहा है पक्का, क्योंकि उसके नीचे ना नाका पड़ता है और उसके आगे फिर बॉर्डर पड़ता है, ठीक है। सो आई डू थिंक कि आगे जाम होना चाहिए, बाकी पता नहीं, पुलिस वालों को कुछ पता नहीं रहता, ठीक है। सो लेट्स सी, ऊपर धूप निकल रही है और यहाँ पे भाई ठंड लग रही है एकदम बढ़िया वाली, जमा देने वाली ठंड हो रही है भाई। चलो चलो चलते रहा चलते रहा, अभी हम कुछ दिन बाद है ना एक और ब्लॉग बनाएंगे, हम वहाँ जाएंगे, क्या बोलते हैं, एक बंदे के पास है ना ग्राफिक कार्ड लेने जाएंगे, ठीक है। हम लोगों को क्योंकि एक अपना पीसी के लिए ग्राफिक कार्ड चाहिए जो कि अपना ख़त्म मतलब ख़राब हो रहा, पुराने वाला जो है कोई इतना ज़्यादा ताकत तो नहीं है, और जो मैंने अपने दोस्त से ग्राफिक कार्ड ले रखा है तो मैं वही यूज़ कर रहा हूँ अभी के लिए। अब मुझे वही अपना एक ग्राफिक कार्ड चाहिए पावरफुल, जो कि रहने वाला है RTX 4070 सुपर, ठीक है। एंड लिटरली भाई ये 3090 से भी ऊपर आता है परफॉर्मेंस के मामले में, तो यस इसी वजह से मुझे चाहिए। एंड ये 4K कैपेबल कार्ड है एंड मुझे 2K पे गेमिंग करनी है टोटली, सो इजी ये मेरे को मतलब खिला देगा मस्त लेवल 2K गेमिंग और मैक्स सेटिंग्स के ऊपर, तो यही मैं इसलिए लेने वाला हूँ। सो जल्दी उसकी वीडियो आएगी, जरूर देखना, ठीक है, पूरा टेस्ट बेंच और ये सब कुछ करके दिखाऊँ, एंड सेम ब्लॉग स्टाइल के ना तुम लोगों को पूरा वो मिलेगा, वो भी फ्लाई हाई ओला चैनल के ऊपर। एंड जो उस चैनल के ऊपर मतलब गेमिंग वगैरह होगी वो तुम्हें मिलेगी भाई फ्लाई हाई आर्क चैनल के ऊपर, ठीक है। दो चैनल रहेंगे अपने और दोनों के ऊपर तुम लोगों को देखने को मिलेगा अलग अलग टाइप का कंटेंट, सो मेक श्योर सब्सक्राइब करके रखना दोनों चैनल, और यस पूरा अपडेटेड रहना एकदम मजे लेवल पर, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा बहुत नाका है हल्का फुल्का, एंड पुलिस डंडा लेके गप छप मार रही है एकदम बढ़िया, ठीक है, फुल गप्पे। चलो यहाँ का गप्पा मैं मान सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे हाईवे है, और इधर का वैसे भी तुम देख नहीं पाओगे गाड़ी के अंदर क्या है क्या नहीं, सो आई थिंक ये वाला गप्पा ठीक था। और इधर जाम भी मतलब इतना ज़्यादा इन्होंने किया नहीं, इन्होंने बड़ा रोड जो है खुला छोड़ा, दिस वॉज गुड, ठीक है, इस वजह से जाम नहीं होंगे, तो ये अच्छा था, ये वाले पुलिस वाले समझदार थे। आगे देखते हैं, अरे आगे एक बहुत बड़ी सारी गाड़ी है, मतलब वो कौन सी गाड़ी है, थोड़ी अलग ही लग रही है गाड़ी, तो देखो व्हाइट कलर की सामने का दिखाई दे रही है, रुको मैं थोड़ा आगे जाता हूँ। अरे
बच गए। ये ऊंचे नीचे होती है बहुत बुरी वाली, और सब उछल जाता है एकदम, मॉडल वगैरह, बैग वगैरह, मैं भी। वैसे अपनी गाड़ी की बैटरी जो है ना बहुत कम बची है, 27% ही बची है, ठीक है। और वैसे इस गाड़ी की रेंज बहुत अच्छी हो गई है, पहले से इंप्रूव हो गई है, ठीक है। वैसे इसकी बैटरी भी चेंज हुई है, ऐसे मैं तुम लोगों को बता चुका हूँ और वीडियो भी डाल चुका हूँ चैनल के ऊपर। सो बैटरी वगैरह भी चेंज हुई है इसकी, जिस वजह से इसका मतलब अभी तो परफॉर्मेंस बढ़िया हो गई है, अच्छी खासी हो गई है पहले से, मतलब लिटरली अच्छी खासी इंप्रूव्ड है। एंड मैं टोटली हाइपर मोड ड्राइवर हूँ, तो उस हिसाब से तो भाई नेक्स्ट लेवल इंप्रूव्ड है, ठीक है। बाकी देखते हैं भाई, आगे चलते चलते हैं क्या ही रहती है, क्योंकि परफॉर्मेंस धीरे धीरे डिग्रेड होती है, मतलब स्टार्टिंग में तो एकदम टॉप नॉच ही मिलती है, धीरे धीरे डिग्रेड होती हुई दिखाई देती है। एंड आई डोंट थिंक कि ये लगभग नहीं तो एक दो साल से पहले डिग्रेड होनी चाहिए, मतलब मेरे हिसाब से। बाकी पता नहीं, ओला वाले तो 8 साल क्लेम कर रहे हैं गाड़ी की बैटरी लाइफ, सो वी विल सी। और वैसे तुम लोगों को बता दूं कि जो ओला या फिर इलेक्ट्रिक कोई भी गाड़ी होती है, उनकी जो मतलब लाइफ स्पैन होता है, जैसे एक नॉर्मल गाड़ी का लाइफ स्पैन की बात करो, मैं बैटरी या मोटर की नहीं, टोटल गाड़ी का लाइफ स्पैन जो होता है वो एक और एक्सीडेंट हो गया, उसने पीछे ले जाकर गाड़ी रोक ली, ओके, एक्सीडेंट हो गया, एक और हाईवे ब्लॉक कर रखा भाई ये वाला, ओके ये वाला हाईवे ब्लॉक कर रखा भाई, तो यानी नीचे से जाना होगा। शिट यार, ये एक अच्छी चीज़ हो लिया, तो अगर ये हाईवे अगर ब्लॉक्ड है सो अब मुझे रास्ता जो है मैप पे देख के जाना पड़ेगा, ठीक है। वैसे मेरे को सीधा सीधा जाना है जहाँ तक मेरे को पता है, तो लेट्स गो। एंड नीचे यार वही जाम वगैरह बहुत सब कुछ रहता है, तो नीचे थोड़ा हार्ड पड़ेगा ये सब चीज़ करना, बाकी लेट्स सी, चलते हैं। 30% के अराउंड बैटरी बची है मेरी GoPro की, एंड मुझे नहीं लगता GoPro हमारे पूरे रास्ते साथ दे पाएगा, बट लेट्स सी, चलते हैं। आई थिंक नीचे इसलिए उतारा गया कि नीचे शायद चेकिंग वगैरह या वो भी सब कुछ हो रहा होगा, जो भी कुछ होता है। बाकी हम पूरा प्रिपेयर्ड है, हम पे लाइसेंस वगैरह अनसर्न सब कुछ है, डिटेल्स तो गाड़ी की आरसी वगैरह सब है, तो नो इशू, हमको कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। बाकी फिर भी आती है तो तुम लोगों को वीडियो में पूरा देखने को मिलता रहेगा, सो स्टे ट्यून्ड, देखते रहो। ओके वैसे ही हमको तो नीचे से मुड़ना ही होता है इस वाले इलाके में थोड़ा आगे जाके, सो ठीक है, मतलब हम डेस्टिनेशन के बहुत ज़्यादा नियर है, कोई इशू नहीं है इतना बड़ा वाला, लगभग 5-7 किलोमीटर का ही डिफरेंस होगा, और ये जो मतलब ऊपर डिफरेंस पड़ेगा वो शायद लगभग 1 किलोमीटर का ही पड़ना चाहिए मैक्सिमम मेरे हिसाब से। बाकी लेट्स सी अगर हम चलते, अरे भाई साहब आगे तो बस वगैरह सब जाम करके, भाई ये बॉर्डर होगा, यस ये बॉर्डर है भाई, यही है क्या जाम वगैरह, यार गाना एकदम मसले वाला चल गया अभी मेरी गाड़ी में, मुझे इतना ज़्यादा पसंद है कि मैं गाड़ी की रफ्तार बढ़ाया इस गाने के ऊपर, तो आगे S1 एयर चल रही भाई, दो और हम आ रहे हैं उनसे, इनसे पीछे इनके पापा S1 प्रो। यार रोड से उतरना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, रहना तो, अरे यार आगे पूरा जाम है, शिट, निकलते रहते ऐसे धीरे धीरे। एंड शाम को भी हमें जल्दी निकलना होगा, वरना तो भाई जाम वगैरह में फंसने वाले गले हम। ओके 24% बैटरी लेफ्ट, आई थिंक बैटरी मतलब गाड़ी मतलब ये पॉज करना चाहिए मेरे को, अरे अरे बच गया, अभी अभी लगती गाड़ी उसमें। ओके इधर थोड़ा बहुत जाम वगैरह मार रखा है और लोग बाग नीचे से जा रहे हैं, एंड आई डू थिंक कि नीचे से जाना बेस्ट है, बाकी अब मैं चढ़ चुका हूँ। अरे यार नीचे से जाना बेस्ट था, नीचे वाला रोड खाली पड़ा है, ऊपर का तो यार पूरा पुल जाम होगा अभी, है और ये लंबा पुल है। चलो कोई नहीं, चल रही है गाड़ियाँ चल रही है भाई, अपनी वाली तो लाइन चल रही है सही, चलते रहो भी घर के, चलते रहो बस। 11 हो गए, 10-11, अपने पास 11 बजे तक का टाइम है, चलते रहो ऐसे ही बिगड़ रुके भाई साहब। आई डोंट थिंक कि मेरे को गाड़ी का जो है मतलब अपना कैमरा जो है वो नीचे जाम था भाई, बट फिर भी इतना ज़्यादा नहीं है जितना ऊपर है। आई थिंक मैं यहाँ पे बंद कर रहा हूँ कैमरा, क्योंकि जाम तो है ही है, तुम्हें ही पता ही है, जाम से पहले निकल जाऊँ फिर ऑन करता हूँ। भाई नीचे की साइड में देखो यार, अलग ही लेवल पुलिस वालों का क्या चल रहा है, देखो अगर तुम लोगों को दिखाई दे रहा हूँ हल्का हल्का, रुको तुमको दिखाता हूँ मैं, निकल जावे कैमरा, निकल जाए, हाँ निकल गया। ये देखो नीचे भाई साहब क्या चल रहा है नीचे की साइड में, जाम वगैरह पता नहीं क्या ही चल रहा है नीचे की साइड में, बट पुलिस वाले खूब सारे भेले हुए हैं बढ़िया लेवल पे, दिख रहा होगा फुली तुम लोगों को नीचे की साइड का। चलो कैमरा बंद करते हैं,
देखो भाई साहब, अरे नीली वाले मतलब नीले में फौजी, ये कैसा कलर है भाई? नीले में तो पहली बार देख रहा हूँ। और सामने देखो ये रे भाई रिपोर्टर लोग कि जाम हो रखा है, बहुत ही गंदे वाला जाम हो रखा है भाई साहब, ये है वो है। अरे यार ऑटो वाले को रोक लिया, कैसा लग रहा है आपको इतने जाम में फंस के? कैसा लग रहा है आपको इतने जाम में फंस के, अच्छा लग रहा है? क्या ही भाई क्या ही, ऑटो रोक लिया बीच में ही, और जाम करवा रहे हैं ये लोग जो है। तुम लोगों ने भी देख लिया होगा न्यूज़ रिपोर्टर, कुछ चूमती है न्यूज़ रिपोर्टर्स को जो जाम करवा रहे हैं रिपोर्टिंग करने के लिए। अब किसी भी बंदे को अपना गाड़ी वाला भेज दो, अरे भाई ऐसे ऐसे करके एकदम प्रॉपर लेवल की भाई, एकदम स्क्रिप्टेड मस्त बंदी, लेकिन नहीं इनको तो ऑटो पकड़ना बीच में भरा हुआ, बुझ 8-10 लोगों से लदा हुआ ऑटो, उनको मजे आ जाएंगे कि भाई हमको न्यूज़ में आने का मौका मिले। न्यूज़ घंटा मेरे इस पर भाई, न्यूज़ व्यूज़ कुछ नहीं। और मेरे इससे मतलब ओला था, मेरी ओला पे ठीक है चल सकता है न्यूज़, मेरी ओला पे भी चल सकता है इन्वर्टर रख के अंदर। क्लियरली फैसले कर रहा हूँ क्योंकि घर वाले भी देखते हैं, वरना तुम जो समझ रहे हो समझ। चल बंद करते हैं, थोड़ा आगे पहुँचे, लड़ाई के लिए तैयार। अरे इसको क्या हो गया भाई? अच्छा अपनी गाड़ी में अभी भी अच्छी खासी बैटरी पड़ी है, और देखो पुलिस वालों की शील्ड भी दिख रही है। अच्छा तुम तो देख ही नहीं, सॉरी तुम लोगों को दिखाते हैं भाई जंग की तैयारी। ये देखो भाई जंग की तैयारी हो रही है इधर, कांटे वाली कीले वीले लगा के गाड़े वाड़े के एकदम बढ़िया लेवल है, फुल ऑन जंग की। और ये एक और रिपोर्टर। इतने सारे पुलिस वाले, इतनी पुलिस भाई साहब, MCD का ट्रक भर भर के लिए आएगा पुलिस वालों को भी। हदी है यार, JCB की क्रेने भी मंगवा ली भाई साहब, क्रेने भी मंगा ली यार, हदी है। चलो यहाँ से थोड़ा खाली हो गया भाई मामला, चलो बाल आ रहे हैं आगे पीछे रहे बाल। ओके फाइनली थोड़ा सा भाई खुला इलाका मिला चलाने के लिए गाड़ी, सो मेक श्योर यू हिट द लाइक। दोनों हाथों से कर देते हैं, लाइक कर लेना भाई। चलो अब आगे का रास्ता आई गेस ज़्यादा से ज़्यादा होगा 10-15 मिनट का, शायद 10-15 मिनट मैक्सिमम। ओके शायद यही जो था पुल वो मतलब दिल्ली नोएडा कनेक्ट करता है, ये वाला पुल था। और अभी जो हम उस पुल को पार कर चुके हैं, क्योंकि उसके ऑपोजिट साइड पे है ना भाई टोल वाला नाका आता है। सो यस टोल वोल सब कुछ हम लोग पार कर चुके हैं अभी के लिए। ब्रेक्स 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 ब्रेक, सामने पुलिस की गाड़ी रॉन्ग साइड से आते हुए एकदम घुसेड़ते हुए गाड़ी। नहीं यार ऐसा तो ना करो, अकेले हो तुम रॉन्ग साइड में गाड़ी दे रहे हो। ओके लेट्स गो, आरंभ है प्रचंड, गाना चलाते हैं। हाँ अरे अरे इतना अच्छा गाना हमारा, अब मजा आएगा ना। अस्सी 90 यस 90 की स्पीड, माय गॉड मजा आ गया। हेलमेट लगा लेता हूँ क्योंकि भाई आंखों के ऊपर जो पानी हवा का प्रेशर, सॉरी पानी का नहीं हवा का प्रेशर जो आता है ना भाई नेक्स्ट लेवल। चलो यार 6% बैटरी बची है, मैं पहले तुम लोगों को अलविदा बोलता हूँ इस व्लॉग के लिए। ठीक है बहुत मजा आया, तुम लोगों को नए नए अपडेट्स भी देखने को मिले होंगे ठीक है, और नई नई चीजें देखने को मिली होगी इस व्लॉग के अंदर। सो होपफुली अगर अच्छा लगा हो तो मुझे लाइक करके मतलब नीचे मुझे नहीं मतलब नीचे लाइक करके बताना ठीक है, कमेंट सेक्शन के अंदर बताना भाई क्या लगा सबसे अच्छा पार्ट इस वीडियो का। और जैसा भी रहा अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर बताना, तो मैं और कंटिन्यू व्लॉग बनाने वाला हूँ ठीक है। और सुन तुम लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट अगले किसी वीडियो या व्लॉग के अंदर। टिल देन टेक केयर एवरीवन, और बाय बाय।